डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई अरेस्ट नहीं होती। ये एक टैक्टिक है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड्स आपको स्कैम करते हैं। आगरा में साइबर क्राइम तेजी के साथ बढ़ रहा है। साइबर अपराधी ऐसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिन्हें ऑनलाइन ठगी की जानकारी नहीं होती है। अब साइबर अपराध का नया नाम डिजिटल अरेस्ट है। डिजिटल अरेस्ट की आगरा में दो ऐसी घटनाएं हुई जो सुर्खियां बनी हुई हैं। डिजिटल अरेस्ट के चलते एक शिक्षिका की मौत हो गई तो एक कन्या महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्या को 2 लाख रुपए देने के बाद वह साइबर अपराधियों के चुंगुल से अपनी जान बचा सकी। साइबर ठगों के चुंगुल से लोगों को बचाने के लिए अब पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। एसीपी सुकन्या शर्मा का कहना है कि कानूनी डायरी में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। अरेस्ट बेसिकली एक मिसनोमर है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई अरेस्ट नहीं होती। ये एक टैक्टिक है जिसके थ्रू साइबर फ्रॉड्स आपको स्कैम करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फोन कॉल आता है जिसमें वो आपसे वीडियो कॉल के थ्रू किसी पुलिस ऑफिसर की डीपी लगा के आपसे फोन कॉल पे कन्वर्सेशन करते हैं वीडियो कॉल पे, तो आप उस फोन कॉल को तुरंत काट दीजिए। अगर फिर भी वो आपसे कन्वर्सेशन कंटिन्यूड रखते हैं तो आप उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछिए और अगर उनकी रैंक पूछिए। जैसे आपके पास किसी हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या डीसीपी लेवल के ऑफिसर ने कॉल किया है तो आप उनसे उनकी आईडी नंबर, उनका पीएनओ पूछिए और गूगल पे तुरंत उसे सर्च कीजिए। गूगल पे सभी ऑफिसर्स के सीयूजी नंबर अवेलेबल रहते हैं तो आप सीयूजी नंबर पे कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि ये कॉल ओरिजिनल है या फेक है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट कानून में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपको कोई इस चीज़ के लिए फ़ोन करता है कि आपका बेटा कहीं फंसा हुआ है, आपकी बेटी को कोई दिक्कत हो रही है, आप जिस लड़की से बात करते थे उस लड़की ने आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की है, आपके खिलाफ कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसी फेक कॉल से सावधान रहिए क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट के थ्रू साइबर स्कैमर्स आपको फंसा रहे हैं। अगर डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप 1930 या cybercrime.gov.in हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। 30 तारीख को करीब शाम को 4 बजे 6:30 को उस समय फ़ोन आया कि मैडम वो आपकी एक पार्सल है जो मलेशिया जा रही है जिसमें 4-7-8 वो हैं आधार कार्ड है करीब 100 से भी ज़्यादा और कुछ ड्रग्स हैं और साथ में कुछ पासपोर्ट हैं, 8 पासपोर्ट हैं। तो मैंने कहा मेरे कहाँ से हो सकते हैं? बोले नहीं आपका आधार कार्ड लगा हुआ है इसमें, आपका नाम है उसमें, उसने मेरा नाम लिया। मैंने कहा नहीं मेरा तो नहीं हो सकता, मैं तो मलेशिया से बहुत दूर दूर तक, मैं आगरा में रहती हूँ कहाँ, तो मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, बॉम्बे पुलिस से। उसने बॉम्बे पुलिस का कमरा वमरा दिखाया मुझे और 2-3 लेटर भेजे बाकायदा अपने देश के मोहर के साथ और उसने डरा दिया। फिर उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया फ़ोन कि आप इनसे बात करो। तो वही था नाम, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़के को दे दिया और उसने मुझे 8 घंटे वीडियो कॉल पर रखा। वह किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है मैडम, आपका सिर्फ ये आपको ये आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, ऐसे ऐसे वहाँ जेल हो गई है वहाँ उनके मलेशिया में 114 लोग बंद हैं अभी, उनके अंग काट लिए हैं, ये सब मतलब बहुत गंदी गंदी बातें और डरा दिया मुझे बेहद। मैं डर गई तो मैडम आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपके अकाउंट कहाँ पर हैं? तो मैंने बताया मेरे 2 ही अकाउंट हैं, मैं सैलरी होल्डर हूँ, 2 अकाउंट हैं, इसमें इतना पैसा पड़ा हुआ है तो मुझे 2 लाख का चेक यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दो, वहाँ से निकाल के दे दो और 2 लाख का चेक दे दो। तो आपने 2 लाख रुपये दे दिया? हाँ, 2 लाख रुपये का चेक दे दिया। उसने जो एड्रेस बताया था लखनऊ के किसी होटल का एड्रेस था, लखनऊ तो नहीं लिखा था उसमें, कुछ और लिखा हुआ था शहर का नाम, तो ICICI बैंक और एक होटल का नाम था होटल किचन और वो करके दे दिया पैसे। ठीक। दूसरे दिन जाके उस दिन तो 4 बज गए थे, बैंक बंद हो गए थे, दूसरे दिन मैं सुबह सुबह गई थी 10-11 बजे 12 बजे जाके उसको हैंड ओवर कर दिया चेक करके।